बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। इसलिए इंसान अपने कौल और अमल के अंदर मुकल्लफ है, और जो जाब्ता हयात अंबिया के जरिए से इंसानों को बतला दिया, उस जाब्ता हयात के मुताबिक अपने जबान को इस्तेमाल करने का पाबंद है, उस जाब्ता हयात के मुताबिक ही अमल करने का पाबंद है। और दुनिया के अंदर इंसान किसी अपनी जबान को जब इस्तेमाल करता है, अपने माफे ज़मीर को जब बयान करता है, तो किसी को खबर नहीं होती कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसके दिल के अंदर सोच क्या है, ये क्या सोच रहा है, ज़बान से क्या बोल रहा है। तो गोया कि दुनिया में अल्लाह तबारक व ताला ने दिल के अंदर इन सारी चीज़ों को गोया कि एक पर्दा खिफा के अंदर रखा है। ज़ाहरी कौल पर इंसान फैसला करता है, अगर कोई अपनी ज़बान से इजहार मोहब्बत करता है तो आप ये समझते हैं कि यह उससे मोहब्बत करता है, अगर ज़बान से इजहार अकीदत आप किसी के सामने शो करते हैं तो सामने वाला समझता है कि ये मेरा अकीदतमंद है। लेकिन अंदर क्या है, अंदर की हकीकत क्या है, ये राज अल्लाह तबारक व ताला के अलावा कोई नहीं जानता। इसलिए दुनिया में अल्लाह तबारक व ताला उस राज को राज ही रहने देते हैं। दुनिया में अल्लाह तबारक व ताला हमारे अकवाल व आमाल पर पर्दे ही खिफा कर डाले रखते हैं और किसी के ऐब को शो और जाहिर होने नहीं देते हैं। हाँ, आखिरत में अल्लाह तबारक व ताला इन राजों को खोल देंगे, वहां राजों को खोल देंगे कि दिल के अंदर सोच क्या थी, दिमाग के अंदर सोच क्या थी, और जबान से मैंने क्या कह दिया, अमल मैंने किस नीयत से किया था। अमल बज़ाहिर बड़ा अच्छा नजर आता था लेकिन नीयत मेरी खराब थी। तो ये नीयतों का जो भेद है, ये जो राज है, ये आखिरत में अल्लाह तबारक व ताला खोल देंगे।